लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज अपने सहयोगी लोक प्रतिनिधियों के साथ सीडको एमडी डॉक्टर संजय मुखर्जी से मुलाकात की और नवी मुंबई की विविध नागरिक समस्याओं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान सामाजिक उपयोग के भूखंडों को महानगर पालिका को हस्तांतरित करने और गौठानों के नियमन का मुद्दा सबसे अधिक सुर्खियों में रहा। इससे पहले भी विधायक गणेश नाइक सीडको उच्च अधिकारियों से मिलने गए थे। आज उन्होंने अपनी इन्हीं पुरानी मांगों पर क्या कार्रवाई हुई इसका भी जवाब मांगा। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज सिडको के प्रबंध निदेशक डॉक्टर संजय मुखर्जी से मुलाकात की और नवी मुंबई के गौठानों से जुड़े मुद्दों को हल करने और यूटिलिटी भूखंडों की बिक्री रोकते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका को हैंडओवर करने की मांग की। उनके साथ पूर्व विधायक संदीप नाइक समेत कई पदाधिकारी और नगर सेवक भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने यहाँ सिडको एमडी संजय मुखर्जी के समक्ष प्रकल्पग्रस्तों की विविध समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके निराकरण की मांग दोहराई। चर्चा के दौरान गणेश नाइक ने अपनी पिछली मुलाकातों और मांगों का उल्लेख करते हुए उन पर क्या कार्रवाई हुई इसका भी जवाब मांगा और सिडको की उदासीन भूमिका पर तल्ख नाराजगी जाहिर करते हुए नागरी समस्याओं के तत्काल समाधान पर जोर दिया। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा। महापालिका को जो भूखंड सिडको के माध्यम से मिलने वाले है उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया उसके लिए पहले वो चर्चा हुई। उन्होंने मुझे एक किताब दी, यानी मैंने जो निवेदन दिए थे उसको उन्होंने किताब बनाया, मतलब एक बुक बनाया जिसमें उन्होंने जवाब दिया। शायद उसमें सब पूर्ति हुई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन जो नहीं हुए, जैसे कि गार्डन के लिए, मैदान के लिए, हॉस्पिटल के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए जो भूखंड चाहिए, कार पार्किंग के लिए, वो मिलने के लिए हमारा प्रयास है। साथ ही साथ रेलवे में एक दीघा रेलवे और खेरना रेलवे स्टेशन बनाने का था। दीघा का काम चालू है, खेरना का काम नहीं हुआ। इन बिटवीन पीयूष गोयल साहब जब रेलवे मंत्री थे उनसे मेरी मुलाकात मुंबई में हुई थी, तो उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को बोला था कि भाई ऐसा ऐसा नहीं, मुंबई में अपने को रेलवे स्टेशन खेरना बनाना है, इसके लिए वो उन्होंने बोला कि आप प्लानिंग बनाओ और ये रेलवे स्टेशन बनाने की जिम्मेदारी महापालिका को दे देंगे, महापालिका खुद खर्चा करेगी और उसमें से जो अर्निंग आएगी बिल्डिंग के माध्यम से वो महापालिका को मिलेगी। अभी उसके लिए राव साहब दानवे, अभी जो राज्य मंत्री रेलवे आए, उनकी भी संजू नायक ने उधर मुलाकात की और उसके जरिए जल्दी ही नई मुंबई या मुंबई में राव साहब दानवे साहब, मैं खुद रहूँगा, सिडको के एमडी साहब मुखर्जी साहब रहेंगे, भांगर साहब रहेंगे और उस पर चर्चा होके उस पर निर्णय लिया जाएगा। कई दलाल लोग लोगों को बोल रहे कि इधर इधर भूखंड अपन निकालने वाले हैं, ये थाने बेलापुर रोड है, किधर थाने बेलापुर सर्विस रोड के बीच में जगह है, वो जगह को उधर पेड़ लगाए वो काट के उधर भूखंड बना के बेचने का दलाल लोगों का काम है। MRDC को यहाँ पे जो RO है, रीजनल ऑफिसर बागल, उनसे मैंने मुलाकात की तब भी उनको बोला था, उनको पत्र लिखा है, भांगर साहब को पत्र लिखा है, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उप मुख्यमंत्री को लिखा है, उद्योग मंत्री को लिया, राज्य मंत्री उद्योग को लिखा है, उद्योग सचिव को लिखा है, CO MRDC को लिया है, लिखा है और भांगर साहब को मैंने पत्र दिया और उनको फ़ोन करके बोला कि आप इस पर ऑब्जेक्शन लीजिए क्योंकि ये कोर्ट मैटर होने वाला है, कई NGOs जाने वाले कोर्ट में और उसके बाद में जो अलर्ट किए प्लॉट भी कैंसिल करने की नौबत आने वाली, तो मुझे कई होटल वाले पूछने को आया था साहब हम लिए कि नहीं, मैंने बोला देखो जाहिरात निकली तो तुम लोग टेंडर भरो, हम कैसे ना बोले आपको, क्योंकि हो गया किसी को मिल गया तो बोले दादा आपने हमको रुकाया। लेकिन मैंने बोला कि हम लोग भले अलॉटमेंट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे लेकिन ये जनता को होने वाला आगे का तकलीफ हम लोग बर्दाश्त नहीं कर। मैं आपका सगाड़ी का नाम लिया नहीं लिया, मैंने इतना ही बोला कि APMC को रायगढ़ जिला में शिफ्ट करने की कई लोगों की इच्छा है, वो कार्रवाई
अंदर अंदर से शुरू है, जिसमें फल बाज़ार, भाजी बाज़ार, कांदा बटाटा बाज़ार, मुड़ी बाज़ार, यानी सभी बाज़ार को सिप करने का। न मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिया, न मैंने किसी पार्टी का नाम लिया, न आघाड़ी का नाम लिया। अभी इसमें मैंने एक खबर दी, आप लोग जरा उसमें शोध पत्रिका पत्रकारिता के तौर पे आप भी शोध लगा के उजागर कर दो इस बात को। अभी तक रिकॉर्ड पे कुछ आया नहीं, रिकॉर्ड पे आएगा उस दिन मैं पत्र लिखूंगा और मोर्चा भी निकालेंगे हम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।